नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। रीवा में सरपंच पति की जिंदा जलाकर हत्या, पोल्ट्री फार्म के अंदर मिली लाश। रीवा में नव निर्वाचित हुई महिला सरपंच के पति की हत्या का बेहद ही सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सरपंच के पति को जिंदा जलाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। यह सनसनीखेज घटना रीवा के जनेह थाना क्षेत्र पनासी गाँव की है। पाया गया है कि लाश कुर्सी में थी और करंट प्रवाहित विद्युत तार भी फैला हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि सरपंच पति को पहले कुर्सी में बैठाकर उसे करंट लगाकर टॉर्चर किया गया, जिसके बाद केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाकर मार दिया। घटना की खबर मिलते ही त्योथर विधायक श्यामलाल पाठक सहित एसडीएम, एसडीओपी, सीओ व नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पनासी ग्राम पंचायत से ग्राम परौरा निवासी जितेंद्र पटेल की पत्नी नवनिर्वाचित सरपंच बनी है। बताया गया है कि जितेंद्र पटेल पनासी गांव में ही पोल्ट्री फार्म संचालित करते थे और अक्सर फार्म में ही कमरे में रात को रुकते थे। रोजाना की तरह घटना की रात भी जितेंद्र पोल्ट्री फार्म में ही ठहरे थे, जहां सुबह उनकी जली हुई लाश देखी गई। ग्रामीण सहित परिजन गांव के ही कुछ युवकों पर चुनावी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में एक जो घटना प्रकाश में आई है, उसकी गंभीरता को देखते हुए मौके पर हमारे सब डिविजन ऑफिसर और एडिशनल एफपी मौजूद हैं। साथ में वो एफएसएल डॉक्टर को भी ले गए हैं, उनकी टीम को ले गए हैं। अभी वो लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। पीएम के लिए शव को रवाना किया गया है और पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त की जाएगी। उन सबके पश्चात जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई आगे करनी है, हमारी पूरी टीम इसमें हमने लगा दी है। पैरेलली साइबर सेल भी काफ़ी कुछ जो जानकारियाँ वहाँ से नंबर्स मिले हैं उन पर काम कर रहा है। तो आशा करते हैं इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको जल्द आपको अवगत कराएंगे। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी तो मेरी टीम से मेरी चर्चा नहीं हो पाई है, वो लोग अभी मौके पर हैं। उनका विश्लेषण एक बार वहाँ पर हो जाए, उनका वहाँ पर विजिट हो जाए घटनास्थल का, उसके पश्चात भी मैं आपको बता पाऊँगा।